राजस्थान के झुंझुनू जिले में नरहर दरगाह कौमी एकता की अनूठी मिसाल का अद्भुत आस्था केंद्र है। यह राजस्थान की एक ऐसी दरगाह है जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर मेला लगता है। यह शक्करवार शाह की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है, जहां हर धर्म मजहब के लोग हर प्रकार के भेदभाव को भुलाकर बाबा की दरगाह में सजदा करने आते हैं। मेरा नाम है भरत शर्मा। यहाँ कम से कम भी 35-30 साल हो गई हमारे को यहाँ दुकान करते हुए। ना पहले की भी है दुकान। हाँ, दरगाह के खादिम और इंतजामिया कमेटी करीब 700 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही सांप्रदायिक सद्भाव को प्रदर्शित करने वाली इस अनूठी परंपरा को सालाना उर्स की माफिक ही आज भी पूरी शिद्दत से पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते चले आ रहे हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की छठ से शुरू होने वाले इस 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन में दूर दराज से नरहड़ आने वाले हिंदू यात्री दरगाह में नवविवाहितों के गठजोड़ों की जात एवं बच्चा के जड़ूले उतारते हैं। देश विभाजन और उसके बाद और कहीं संप्रदाय धर्म मजहब के नाम पर भले ही हालात बने बिगड़े हों, पर नरहड़ ने सदैव हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल ही पेश की है। कृष्ण जन्माष्टमी पर जिस तरह मंदिरों में रात्रि जागरण होते हैं, ठीक उसी प्रकार अष्टमी को पूरी रात दरगाह परिसर में चिड़ावा के प्रख्यात दूलजी राणा परिवार के कलाकार ख्याल यानी श्री कृष्ण चरित्र नृत्य नाटिकाओं की प्रस्तुति देकर रथ जागा कर पुरानी परंपरा को आज भी जीवित रखे हुए हैं। मान्यता है कि पहले यहाँ दरगाह की गुंबद से शक्कर बरसती थी, इसी कारण यह दरगाह शक्करबार बाबा के नाम से भी जानी जाती है। शक्करबार शाह अजमेर के सूफी संत ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती के समकालीन थे। हरियाणा और राजस्थान में तो शक्करबार बाबा को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। हजरत शक्कर पीर को बांगड़ का धनी भी कहते हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले के नरहड़ कस्बे की यह दरगाह कौमी एकता की एक अनूठी मिसाल कायम किए है। राजेंद्र कोठेरी है और मेरी 96 से अंदर दुकान है। नरहड़ दरगाह में अंदर दुकान है 96 से। यहाँ ये कृष्ण जी का मेला भरता है कृष्ण जन्माष्टमी का, और हम तो बुजुर्गों से भी यही सुनते आए हैं कि यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी का मेला बहुत सालों से भरता है, 200-300 साल से पहले का ही है। सब लोग आते हैं, इधर हिंदू भी आते हैं, मोहम्मदन भी आते हैं। हाँ, ये कृष्ण जन्माष्टमी का एक स्पेशली मेला है। इतना सुचारू रूप से जारी है, बढ़िया है, बढ़िया इंतजाम लगा रखा है, और हमें ड्यूटी 50-60 आदमियों की तैनात की गई है। बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से जारी है, शांति प्रिय है, हमेशा शांति रहती है।